हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज है प्रोडक्टिव सैटरडे एंड सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है बिकॉज आई एम प्रीटी मच मेस्ड अप विथ माय कॉलेज। एंड आज हम बात करने वाले हैं वीडियो रेंडर के बारे में और एक्सपोर्ट के बारे में। वेल, इट इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट दोनों एक ही चीज़ है, बट नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। वेल, वीडियो शुरू करने से पहले यार, जो लोग नए हैं ना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे वीडियो को, और जो मेरी ऑलरेडी ऑडियंस है यार, प्लीज़ यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक दबा के जाओ, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, वेल, व्हाट इज़ रेंडर? रेंडर हम यूज़ करते हैं या हम वीडियोस को रेंडर करते हैं ताकि हमें उसका एक स्मूथ प्लेबैक मिल सके। अपार्ट फ्रॉम लाइक अनलाइक दी फिल्मोरा, अडोबी प्रीमियर प्रो में कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आप यूज़ करते हो या बहुत सारे आपने ट्रांजिशंस लगा रखा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका वीडियो जो है ना वो ग्लिच करने लगे बीच बीच में। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम वीडियो को रेंडर कर लेते हैं। सो इसको करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सो सबसे पहले यू वुड वॉन्ट टू डू इज़ आप अपने वीडियो पैनल पर आओगे जहाँ पर आपको अपने वीडियो का फीडबैक दिखता है। So you have to come here and you have to select mark in, and you have to select at the end of the video you have to select mark out. So इससे होगा ये कि specific आपका video जो है ना वो select हो जाएगा, and now you can just control A to select the video and go to sequence render in to out and this will render your video. तो बेसिकली वीडियो हम रेंडर करते हैं ताकि हमें एक स्मूथ प्लेबैक मिल सके, ताकि जो वीडियो हमने एडिट किया है अगर हम उसे व्यू करना चाहते हैं तो समटाइम द वीडियो लैग्स अलॉट। सो आई हैव लर्न्ड इट द हार्ड वे, मेरा वीडियो काफ़ी बार लैग कर चुका है, विच हैज़ रिजल्टेड ऑफ अनइवन वीडियो एट द टाइम ऑफ द आउटपुट। सो ऑलवेज रेंडर योर वीडियो बिफोर यू एक्सपोर्ट इट। आई मीन इफ़ यू डोंट वॉन्ट यू, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रेंडर करना ही पड़ेगा, बट इट्स अ गुड हैबिट टू रेंडर योर वीडियो ऑलवेज। सो अब ये वीडियो रेंडर हो रहा है एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट का वीडियो है। सो आई होप ये जल्दी रेंडर हो जाए। सो द वीडियो हैज बीन रेंडर्ड and now what you want to do is you want to export your video. So just use the shortcuts control plus m and a tab will open, and so jahan bhi aapko apna video save karna hai you can just select it, and jaise main isse demo mein save karunga and save, you can सेलेक्ट इन व्हाट्स एवर रेजोल्यूशन यू वॉन्ट टू सेव इट। अगर आपको यूट्यूब में अपलोड करना है तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दी यूट्यूब 1080 पिक्सल फुल एच डी, मोर ओवर यू कैन सेलेक्ट दी हाई क्वालिटी 1080 HD एंड दैट्स इट एंड एक्सपोर्ट। Okay guys, so the video has been exported and the final touch is going on. I mean jo bhi wo merge karta hai. So that's how you do it and I hope aapko ye video acha laga ho. Agar aapko ye video acha laga ho to yaar
यू नो द ड्रिल, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट. अगर आपके पास कोई सुझाव है तो यार ज़रूर कमेंट में बताएं. एंड इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी टॉपिक स्पेसिफिकली और एनी वीडियो और फोटो रिलेटेड टॉपिक, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू कवर इट इन माई नेक्स्ट वीडियोज. एंड सॉरी व्लॉग्स नहीं आ रही हैं बिकॉज आई एम प्रीटी मच मेस्ड अप विद माई कॉलेज वर्क. सो एज इट गेट्स सेटल्ड व्लॉग्स विल स्टार्ट कमिंग. सो टिल देन बस आज के वीडियो के लिए इतना ही है. एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.